हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्या बना रहे हैं? मैं बना रही हूँ बारबेक्यू फ्लेवर्ड पनीर और वेजिटेबल्स के साथ सर्व करूँगी डिनर में। सो शाम के टाइम हम लोग जो है ना बहुत हल्का खाना प्रेफर करते हैं, और अगर आप इसे लंच में बनाते हैं सो आप बारबेक्यू पनीर वेजिटेबल्स, साइड में आप कोई भी फ्लेवर तरह के नूडल्स सर्व कर सकते हैं, या तो फिर कीनवा बना के साइड में यू नो उबाल के नमक पेपर के साथ सर्व कर सकते हैं, रेड राइस है वो भी कर सकते हैं। सो जो भी आपको पसंद हो, तो देखें कैसे बनता है। तो बारबेक्यू सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में तेल गरम कर रही हूँ। तेल गरम हो रहा है, अब हम इसमें डाल देंगे, ये मैंने फाइनली चॉप्ड गार्लिक रखे हैं, लहसुन, सो थोड़े से मैं वो डाल देती हूँ। इनको अच्छे से हल्का सा टॉस कर लेते हैं, और मेरे पास थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो भी डाल देती हूँ। इनको हम अच्छे से कुक कर लेते हैं ताकि इनका जो कच्चापन है ना वो बिल्कुल निकल जाए। तो अगर आप गार्लिक नहीं डालना चाहते हैं, अगर आप नहीं खाते हो तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं इसमें सॉसेस डाल लेती हूँ। तो ये मैं टोमेटो केचप डाल रही हूँ, करीब आधा कप मैंने टोमेटो केचप डाला है, और ये मेरे पास ऊस्टर सॉस है, ये इजीली सब सुपरमार्केट में मिल जाती है। ये ना इसका फ्लेवर जो है थोड़ा खट्टा होता है, सो करीब एक टेबलस्पून ऊस्टर सॉस। मैंने गैस स्विच ऑफ कर दी थी, अब मैं गरम कर देती हूँ। एक बढ़िया सा कलर आ गया है इसमें, हल्का सा मैं इसमें पानी डालूंगी। बेहद बढ़िया सी खुशबू आ रही है, ऊस्टर सॉस, केचप, जिंजर गार्लिक मिलके ना बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें से। सो एक उबाल आने तक हम इसे हल्का सा कुक कर लेंगे ताकि ये गाढ़ी भी हो जाए और सारे फ्लेवर्स आपस में बढ़िया से मिक्स हो जाए। सो एक उबाल आने के बाद मैंने ये जो है सॉस इसको बंद कर दिया था। यहाँ पे मैंने पनीर ले रखा है, ये देखिए बहुत पतले नहीं बहुत मोटे नहीं, मैंने एक राउंड स्लाइस में इन्हें करके रखा है। मैं इसी बर्तन में इसे मैरिनेट कर रही हूँ, आप चाहें तो दूसरे बर्तन में भी शिफ्ट कर सकते हैं। और ये जाएगा मेरा दूसरा स्लाइस भी, और हम कर देंगे इन दोनों को बढ़िया से मैरिनेट। सो पनीर को तो मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। सो अगर आपको पता है पहले से कि आप ये बना रहे हैं तो आप जो सॉस है ना बना लीजिए, बारबेक्यू सॉस ठंडी हो जाए, एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर उसमें पनीर डाल के मैरिनेट करके फ्रिज में रख दीजिए तीन चार घंटे के लिए, और सुबह से शाम के लिए भी आप कर सकते हैं। कल बनाना है तो आज भिगो देंगे तो पनीर और फ्लेवरफुल हो जाएगा। सो सब्जियों में मैं क्या ले रही हूँ मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने जुकीनी ली है, ये कच्ची है, ये मेरे पास पॉकचाई है, अगर आपके पास पॉकचाई ना हो आप पालक, बेबी पालक जो छोटे पत्ते होते हैं वो ले सकते हैं। यहाँ मैंने लाल पीली कैप्सिकम ली है, ये मैंने मशरूम है थोड़े से काट के लिए हैं, और ये सारी स्टीम सब्जियाँ हैं। ये मैंने बेबी कॉर्न लिया है, स्वीट कॉर्न, बीन्स, कैरेट और ब्रोकली। सो इनको स्टीम करके रखना है, ध्यान रहे बहुत ज़्यादा स्टीम ना करें कि इनका रंग उड़ जाए, इनमें थोड़ा सा क्रंच होना चाहिए तभी मज़ा आएगा खाने का। सो ये मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गरम किए हैं अपने वॉक में, और मैं सबसे पहले डालूंगी इसमें मशरूम, सबसे पहले डालेंगे हम गार्लिक, जो मैं बिल्कुल भूल गई। ये मेरे पास ऑरिगेनो सीजनिंग है, तो जो भी ब्रांड का आप यूज़ करें ले लीजिए, अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल लीजिए, मुझे तो खूब सारा पसंद है। अब मैं इसमें डालूंगी मशरूम, और फुल आंच पे मैं इसे करूंगी सॉस,
तो 2 मिनट के टॉस के बाद मेरे मशरूम है रेडी। अब मैं इनमें डाल रही हूँ जुकीनी और करूँगी जुकीनी को भी फुल आंच पे कुक। बहुत जल्दी ये भी कुक हो जाती है। तो जुकीनी भी ऑलमोस्ट डन है। अब मैं इसमें पॉक्सर डाल के इन्हें भी फटाफट एक टॉस कर देती हूँ फुल आंच पे। कितना बढ़िया सा ग्लेज आ गया पॉपकॉर्न पे भी। और अब मैं डाल देती हूँ अपने दोनों कैप्सिकम बेल पेपर। इन्हें ज़्यादा कुकिंग नहीं करेंगे क्योंकि जितने ही क्रंची रहेंगे ना उतना ही बड़ा ही मज़ेदार स्वाद आता है इनका, मुझे तो बहुत पसंद है। और ये गई मेरी बाकी की सब्जियाँ। तो जब भी आप बनाए ना इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो सब्जियाँ है ना सब सब्जियाँ थोड़ी कम कम क्वांटिटी लें क्योंकि एंड में ना ये इतना हरा बन जाता है। अच्छा सब कुछ टॉस कर लेते हैं क्योंकि ये वॉक के और मैं इस तरीके से हिलाऊंगी तो थोड़ा सा नॉइज डिस्टर्बेंस आएगा मशरूम में। कितनी कलरफुल लग रही है। अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ और ये काली मिर्च मेरी फेवरेट स्वाद के अनुसार। तो ये जो हमारी मिक्स वेजीज है ये तो हो गई है तैयार। अब हम ये रख लेते हैं साइड में और बनाएंगे अब हमारा बारबेक्यूड पनीर स्टेक। तो यहाँ पे मैंने तवा गरम कर लिया है, हल्का सा तेल लगा दिया है और ये जो पनीर मैंने मैरिनेट करके रखा था ना इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट, उसे हिलाने में बहुत सॉफ्ट हो गया है। तो पनीर को मैंने अब रख दिया है तवे पे, नीचे की तरफ हल्का सा तेल ऑलरेडी था और जैसे ही एक साइड से हो जाएगा मैं इसे पलट के दूसरी साइड से भी हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। और अगर आपके पास ग्रिल तवा हो तो उस पर भी आप रख के कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है जब वो ग्रिल के निशान इस पर होते हैं। सो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं दोनों तरफ से इनको बढ़िया से सेक के ब्राउन कर लूँगी। मैंने 2 गलतियाँ की। एक, मैंने पनीर काट के फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया तो पनीर का जो है ना पानी वो पूरा बह गया तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया जब पानी निकलने लग गया। तो आप ये गलती ना करें, तो जब आप पनीर काटें तो उसे काट के फ्रिज में रखें क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो जाएगा। और क्योंकि ये इतना सॉफ्ट था तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया हैंडल करने में और ये टूटने लगा। दूसरा, मैंने गरम गरम बारबेक्यू सॉस नहीं डाल दिया। तो वीडियो बनाते हैं तो बहुत गलतियाँ होती है, जल्दी भी रहती है, गलतियाँ नहीं हमें जल्दी रहती है। सो ये है कि जब आप बारबेक्यू सॉस बनाएं तो उसे ठंडा करें और फिर उसमें पनीर मैरिनेट करके रखें। ये देखिए बढ़िया से ग्रिल हो रहे हैं। अब हम सर्विंग कैसे करेंगे, तो मैंने सर्विंग प्लेट ली है और ये जो मेरी वेजिटेबल्स हैं इन्हें भी आप बहुत पहले ना बनाएं, जब सर्व करना उसी टाइम बनाएं, नहीं तो इनका भी ना पानी निकल छूट जाता है तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो ये कुछ इस तरीके से सारी सब्जियां हमने डाली हमारे सर्विंग प्लेट में, अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। और ये जो मेरी देखें आप कितनी सॉफ्ट है। तो ये देखिए इस तरीके से हम सर्व करेंगे। और अगर आप चाहें तो जो बारबेक्यू सॉस है वो थोड़ी स्प्रेड कर दें ताकि अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए ये है मेरे पनीर स्टिक विद वेजिटेबल्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी और मैं चाहूँगी कि आप इसे बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये खाके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।